हेलो फ्रेंड्स, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के वीडियो के पार्ट टू में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि वो कौन से 10 पॉइंट्स हैं जिनका आपको बहुत ख्याल करना चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। तो चलो, सबसे पहली बात जो बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है डिफाइन योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली। फ्रेंड्स, यदि आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइंड नहीं हैं तो आपके मार्केटिंग कम्युनिकेशन के परफेक्शन में कमी रह जाएगी और रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना अच्छा आप चाहते हैं। तो आपको सही तरीके से डिफाइन करना चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को। नंबर टू, गेट टू नो योर ऑडियंस। गेट टू नो योर ऑडियंस का मतलब आपके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो प्लेन्स में रहते हैं कि हिल्स में रहते हैं, उनकी डेमोग्राफी क्या है, आपके प्रोडक्ट्स मेल्स के लिए हैं, फीमेल्स के लिए हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, या आपके किस सोशियो इकोनॉमिक क्लास के कस्टमर्स हैं, उनके स्पेंड करने की कैपेसिटी क्या है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी है, तभी आप अपने ऑडियंस को बेहतर समझ सकेंगे। और जब आप ऑडियंस को बेहतर समझेंगे तभी आप बेहतर मार्केटिंग कर सकेंगे। आपको नंबर तीन यह जानना जरूरी है कि आपके कस्टमर्स किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा रहते हैं, यानी कि नंबर थ्री, चूज द राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपके कस्टमर व्हाट्सएप पे ज़्यादा हैं कि फेसबुक पे ज़्यादा हैं कि इंस्टाग्राम पे ज़्यादा हैं कि लिंक्डइन पे ज़्यादा हैं। आपको मालूम है लिंक्डइन पे जो कम्युनिकेशन किया जाएगा फेसबुक पर वही कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता, व्हाट्सएप पर एक अलग तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है। सो चूज द राइट प्लेटफॉर्म। नंबर फोर, क्रिएट अ कंटेंट बैंक। आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में, एक कैलेंडर ईयर में क्या कम्युनिकेशन करना है, इसके लिए एक कम्युनिकेशन बैंक होना चाहिए। यदि आप ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो सीजनल हैं तो उनके लिए अलग तरीके के कंटेंट्स आपके हो सकते हैं। सो यू हैव टू क्रिएट अ कंटेंट बैंक। एंड नंबर फाइव, क्रिएट कंटेंट शेड्यूल। जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि एक कैलेंडर ईयर के लिए आप कंटेंट बना के कंटेंट बैंक में रख सकते हैं, तो कंटेंट शेड्यूल जब आपके पास होगा, कंटेंट बैंक होगा, तो आप सही समय पर सही कम्युनिकेशन कर सकेंगे, कंपटीशन से ज़्यादा सटीक कम्युनिकेशन कर सकेंगे और आपकी जीत होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। नंबर सिक्स, आइडेंटिफाई कीवर्ड्स एंड हैशटैग्स। जब लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके प्रोडक्ट्स को, आपके कंटेंट्स को ढूंढते हैं तो कीवर्ड्स के थ्रू ढूंढते हैं, हैशटैग्स के थ्रू ढूंढते हैं। इसीलिए आपके कीवर्ड्स, टाइटल, हैशटैग एकदम सही होने चाहिए। उसके लिए आपको रिसर्च की ज़रूरत हो सकती है, उसके लिए आपको और ज़्यादा जानने की ज़रूरत हो सकती है। अगर ऐसी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, मैं, मेरी टीम, हम आपको सपोर्ट करेंगे बेटर कीवर्ड्स ढूंढने में। फ्रेंड्स, हम लगातार बहुत ज़्यादा मेहनत करके ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो कि आपके बिजनेस के करियर में या मार्केटिंग के करियर में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, ज़्यादा सक्सेसफुल करता है और आपके रेवेन्यू को ग्रो करता है। तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। सो नंबर सेवन इज सेटअप सोशल मीडिया टूल्स। सोशल मीडिया टूल्स क्या हैं? सोशल मीडिया टूल्स, या कुछ लोग सोशल टूल्स भी जिनको बोलते हैं, वो ऐसे टूल्स हैं जो कि आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको हेल्प करते हैं। ऐसे टूल्स होते हैं जो आपके कम्युनिकेशन को शार्प कर सकते हैं, ऐसे टूल्स होते हैं जो आपको कीवर्ड्स हेल्प करते हैं अच्छे ढूंढने में, ऐसे टूल्स होते हैं जो लिंक को, आपके मीडिया टूल को और अच्छा कर सकते हैं। सो सेटअप राइट सोशल मीडिया टूल्स। नंबर एट, सेटअप एनालिटिक्स। आप जो कर रहे हैं वो कितना सही है,
जैसा रिजल्ट चाहते हैं वैसा मिलता है कि नहीं, और अच्छा अगर रिजल्ट चाहिए तो एनालिटिक्स करना होगा, यह जानना होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो कितना सही है और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, कस्टमर क्या चाहता है, व्यूअर्स क्या चाहते हैं। नंबर 9, कंडक्ट सोशल मीडिया ऑडिट। एंड नंबर 10 इज कीप एन आई ऑन द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिटर्स क्या नई एक्टिविटीज कर रहा है, कैसे नए कम्युनिकेशन कर रहा है, किस प्लेटफॉर्म पर, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहा है, यह आपके जानने की बात है। और यदि आप इन 10 बातों का जो यहाँ बताए गए हैं इनका इस्तेमाल बेहतर करेंगे तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग बेहतर करेंगे, और सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द इन थिंग। यदि आप वहाँ सही हैं तो आपकी मार्केटिंग में एक नई शार्पनेस आएगी, एक नया एज मिलेगा आपको, और आप और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।